अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम फिर से देखने वाले हैं हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे कब्र परस्तों की कुछ अजीबोगरीब वीडियोस। तो पेश है पहली वीडियो। यहाँ पर दो काले कौवे अपनी दाढ़ी वाली लाल परी पर पैसा बरसा रहे हैं। पीछे आप देख सकते हैं कि कुछ बेसुरे बड़े सुर में गा रहे हैं। सामने कुछ अनारकलियाँ हैं जो जुल्फे घुमा घुमा के नाच रही है। साफ साफ पता चलता है कि ये कोई पीर नहीं बल्कि ढोंगी है, और ये कोई इस्लामी महफिल नहीं है बल्कि शैतानी कारोबार है, जहाँ पर लोगों से पैसे लिए जाते हैं और उनको शिर्क और बिदत सिखाया जाता है। अफसोस तो इस बात का है कि यह सब दीन के नाम पर हो रहा है, इस्लाम के नाम पर हो रहा है। खैर, चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। या गौसल आजम जीलानी, कर दूर हमारी परेशानी। गौस आजम दर में आने ओलिया, गौस आजम दर में आने ओलिया। चू मोहम्मद दर में आने अंबिया। इसीलिए तो कहते हैं कि अगर आपकी आवाज अच्छी नहीं हो तो कम से कम आपके अल्फाज सही होने चाहिए। अब इस बेसुरे को देख लो कि सुर में शिर्क की दावत दे रहा है। नहीं मतलब कौन सा नशा करके आते हो तुम लोग, कौन सा टायर फूंक के आते हो तुम लोग कि तुम्हें भूल जाता है कि सिवाय अल्लाह के कोई मददगार नहीं है, कोई मुश्किल कुशा नहीं है, कोई परेशानी दूर करने वाला नहीं है। फिर इनके मुरीद आते हैं, कहते हैं कि तुम तो हमारे आलिमों की तौहीन कर रहे हो। अरे भाई, कौन से आलिम, कैसे आलिम, जिन लोगों को ये नहीं पता कि सिवाय अल्लाह के कोई मददगार नहीं है, कोई मुश्किल कुशा नहीं है, जो कब्रों से मांगते हैं, जो मुर्दों से मांगते हैं, वही तुम्हारे आलिम हैं। ओ भाई, ये आलिम नहीं है, सबसे बड़े जाहिल हैं। खैर, चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। मुझे समझ नहीं आता कि इन लोगों की तशरीफ के नीचे दतूरा रख कौन देता है। अगर किसी को पता ना हो कि दतूरा क्या होता है, तो मेरे भाई ये होता है दतूरा। इस तरह के दौरे सिर्फ तीन तरह के लोगों को पड़ते हैं। पहले वो जिनकी तशरीफ के नीचे किसी ने दतूरा रख दिया हो, और दूसरे वो जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते हो, और तीसरे वो जो कि कब्र पर मेरा मतलब जो कि पागल हो। अब इन तीनों में से ये क्या है आप लोग जानते हैं। फिर इनको मानने वाले आते हैं, कहते हैं कि आप हमारे आलिमों की तौहीन कर रहे हो। भाई, कैसा आलिम, कौन सा आलिम, जिसको बोलने का तरीका नहीं है, जिसको बैठने का तरीका नहीं है, वो कौन सा आलिम है भाई। इनकी वीडियोस देखकर गैर मुस्लिम मुसलमानों पर और इस्लाम पर हंसते हैं, कहते हैं कि यही इस्लाम है, यही मुसलमान है, यही इनके आलिम है। ओ भाई, ये कोई आलिम नहीं है, जाहिल है। खैर, चलते हैं अगली वीडियो की तरफ।
ये शख्स जो बजा रहा है, इसे जो आवाज निकल रही है वो शंख की आवाज है। शंख जो होता है उसे हिंदू बजाते हैं अपनी मूर्तियों के लिए, जिन्हें वो मुश्किल कुशा समझते हैं, गौस समझते हैं, मददगार समझते हैं। और ये शख्स उसी शंख को अपनी पीर की कब्र पे बजा रहा है जो कि मर चुका है, जिसे मुश्किल कुशा समझता है, गौस समझता है और मददगार समझता है। अब अजीब बात यह है कि अगर हिंदू शंख अपनी मूर्तियों के लिए बजाए जिन्हें वो मुश्किल कुशा समझते हैं, गौस समझते हैं, मददगार समझते हैं, तो वो काफिर हैं। और ये शख्स अपने मरे हुए पीर की कब्र पे शंख बजाए जिसे मुश्किल कुशा समझता है, गौस समझता है, मददगार समझता है, तो ये मुसलमान है। ये बहुत ही अजीब बात है। और इस्लाम में अल्लाह के सिवा किसी और से मदद मांगना बिल्कुल जायज़ नहीं है, चाहे वो मूर्ति हो चाहे वो कब्र हो। खैर चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि ये सब हो क्या रहा है और ये लोग कर क्या रहे हैं, लेकिन इतनी बात तो समझ आ रही है कि ये सब दीन के नाम पे हो रहा है और इस्लाम के नाम पर कर रहे हैं। और इन लोगों ने अजीबोगरीब रंग के कपड़े भी पहने हुए हैं जो कि अक्सर लोग नहीं पहनते। मैं ये नहीं कहता कि ये इस्लाम में जायज़ नहीं है, हालांकि बिल्कुल जायज़ है, लेकिन ऐसे कपड़े लोग अक्सर नहीं पहनते। खैर चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। पूछेंगे मुझसे तो मैं कहूँगा तरीका कादरी हूँ, नाम लेवा से आ तरीका कादरी हूँ, नाम लेवा से आज़म का। मुझे जन्नत में जाने रोकते क्यों वो जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका से आज़म। सबसे पहली बात, जब आपसे कब्र में फरिश्ते पूछेंगे तो मेरे भाई जैसे आपके अकीदे हैं, जैसे आपके आमाल हैं, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। आपके होंठ बिल्कुल सील हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, आप कुछ भी नहीं बोल पाएंगे, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। चलो मिसाल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने कह दिया, आपने जवाब दे दिया कि तरीका कादरी हूँ, नाम लेवा गौस आज़म का। उसके बाद आपको फरिश्ते ले जाएंगे और अच्छे से गर्म कढ़ाई पर रख के आपको अच्छे से फ्राई करेंगे, अच्छे से भुनेंगे। आपने जो चर्बी कमाई है हलवे खा खा के, दीन के नाम पे जो आपने जो बड़ी बड़ी बोटियां और रोटियां खाई हैं, आपने जो पैसे कमाए हैं दीन के नाम पर, और आपने जो हलवे खाए हैं दीन के नाम पर, और जो चंदे लिए हैं लोगों से, उससे जो चर्बी कमाई है वो आपकी चर्बी अच्छे से पिघा ली जाएगी। उसके बाद आपसे कहा जाएगा कि आपको तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने के लिए भेजा गया था, आप किसके तरीके पर चल रहे थे? आपको तो अल्लाह का नाम लेने के लिए भेजा गया था, आप किसका नाम ले रहे थे? आप अल्लाह के सिवा और लोगों से भी मदद मांगते थे, आपने और मुश्किल कुशा बना लिए थे और गौस बना लिए थे, आप अल्लाह को छोड़कर उसकी मखलूक से मदद मांगते थे, उसकी मखलूक को पुकारते थे। तो मेरे भाई अभी वक्त है, सुधर जाओ और इस शिर्क से बाज आओ और अल्लाह की तरफ आओ और उसके सिवा किसी और से मदद ना मांगो। खैर चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا
وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ये शख्स जिनकी आपने वीडियो देखी, ये कोई कब्र परस्त नहीं है बल्कि एक अच्छे और सच्चे मुसलमान है। लेकिन ये सुनकर आप शायद हैरान रह जाए कि ये शख्स जिनकी आपने वीडियो देखी, ये बचपन से ही नाबीना है, अंधे हैं, ब्लाइंड है, ये देख नहीं सकते, बिल्कुल नहीं देख सकते। लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी, इन्होंने तालीम हासिल की, ये एक कारी हैं, दीन का इनको अच्छा खासा इल्म है और इन्होंने नाबीनाओं के स्कूल से अंग्रेज़ी तालीम भी हासिल की है। बहुत सारे लोग जो नाउम्मीद होते हैं उनको इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए, इनसे मोटिवेट होना चाहिए। आपने इनकी आवाज़ सुनी, अल्लाह ने इनको बेहतरीन आवाज़ से नवाजा है और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इनकी आँखें रोशन करे। और अगर आप इनकी पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने कमेंट में लिंक दे रखा है, आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। और इनको सपोर्ट की ज़रूरत है, आप इनको सपोर्ट कर सकते हैं, इनकी वीडियो शेयर कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। खैर, आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।